ये जनाब कौन है और क्या बोल रहे हैं, हम आपको बताते हैं। दरअसल ये टीएमसी नेता शेख आलम हैं जो कह रहे हैं कि अगर देश के 30% मुसलमान एक हो जाएं तो देश में 4 पाकिस्तान बन सकते हैं, फिर कहां जाएंगे ये 70% लोग। अब एक बार फिर सुनिए शेख आलम ने अपने भड़काऊ बयान में क्या कहा है। 30% शेख आलम ने बीरभूम विधानसभा सीट के बासापारा के नानूर में लोगों को संबोधित करते हुए यह विवादित बयान दिया था। साल 2016 के पिछले विधानसभा चुनावों में भी कुछ इसी तरह का बयान आया था, वह भी टीएमसी के एक मंत्री की ओर से। मंत्री फिरहाद हकीम ने पाकिस्तान के एक पत्रकार से कहा था, मैं आपको कोलकाता के मिनी पाकिस्तान में लिए चलता हूँ। हकीम उस समय कोलकाता के गार्डन रीच इलाके की बात कर रहे थे। टीएमसी ही नहीं, कट्टरपंथी सोच रखने वालों के साथ कांग्रेस भी है, जिन्होंने उन कट्टरपंथी सोच रखने वालों से समझौता किया है जो मजहब के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में AIUDF कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA गठबंधन का हिस्सा है और इसी AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल के कई बयान हिंदुओं, संविधान और देश के खिलाफ आए हैं। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो चुका है, वही मुस्लिम लीग जिसका भारत का विभाजन कराने में भूमिका रही थी। बहरहाल कांग्रेस और टीएमसी ने इन कट्टरपंथियों के सामने समर्पण कर दिया है। इन दोनों पार्टियों ने कट्टरपंथियों से हाथ मिलाया है जो देश को तोड़ने की सोच रखते हैं, जो देश में दंगा फसाद कराना चाहते हैं, मजहब के नाम पर देश का विभाजन कराना चाहते हैं। लेकिन जनता सब समझती है और देख रही है, वो ऐसे देशद्रोहियों को सबक सिखाएगी।